नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। संसद का बजट सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी के विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। जिन नेताओं से पीएम ने मुलाकात की उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा सपा संस्थापक मुलायम सिंह, टीआर बालू, फारूक अब्दुल्ला, अधीर रंजन चौधरी आदि शामिल रहे। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस तस्वीर को लोकसभा स्पीकर ने शेयर करते हुए लिखा, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि सदन की गरिमा को बढ़ाने और चर्चा संवाद के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। आशा है सभी दल इसमें सक्रिय सहयोग देंगे। सत्र का यह बजट सत्र बैठक 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र में 27 बैठकें हुई और सदन की कार्य उत्पादकता 129% रही। इसके पहले गुरुवार को सुबह सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सत्र के दौरान सदन की बैठकें लगभग 187 घंटे 50 मिनट तक चली और इस दौरान 182 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।